हम लोग ज़्यादा करीब नहीं थे, मतलब वही 40-50, मतलब 30-40-35 40-45 के लमसम के स्पीड में थे। और अचानक वो भैंस आया और एक ही बार उसमें लड़िया, तो लड़िया तो मैंने अभी दिखाया आप लोग को कार में, ऐसे ऐसे हुआ है। तो गाइस आज हम अभी हम करंट में बनारस है और नाइट में आया, तो मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो वीडियो बनाया नहीं क्योंकि थका हुआ था। सुबह से 7 बजे से गाड़ी में बैठे 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 यहाँ पे हम लोग लमसम 9:30-10 बजे के करीब में यहाँ पहुँचे। तो पहुँचे हम लोग वहाँ पे और हम लोग आते, मैंने वीडियो वीडियो बनाया नहीं क्योंकि खाना वाना खाया, खाना वाना खाते होते 10, 10:30, 11 बज गए और थोड़ा सा मोबाइल चला के मैंने सो गया। तो अभी है सुबह का वक्त, अभी हम लोग ऐसे उठा, थोड़ा देर हो गया उठे हुए और उठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद हम लोग, मेरा ये दूसरा ब्लॉग है और ये दूसरा ब्लॉग जो अब हम लोग जाएंगे बनारस, बनारस में है अभी करेंट, और अभी हम लोग जाएंगे जो बनारस जिस चीज़ के लिए फेमस है, गंगा आरती के लिए बहुत ही फेमस है पूरे पूरे इंडिया में। बनारस गंगा आरती के लिए फेमस है और ये शाम के टाइम है, अभी तो सुबह हो रहा है। तो कुछ देर के बाद रेडी शेडी होकर और हम लोग उधर की ओर रवाना होंगे। तो हम लोग उधर जाएंगे तो आप लोगों को हम लोग सभी चीज़ दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं, और शाम में हम लोग मौज मस्ती करेंगे। तब तक के लिए आगे मिलते हैं। नदी की यही नदी के किनारे गंगा आरती होता है। हम लोग पुराने एक राजा हैं जो हम लोग वहाँ पे आए हैं और ये किला वगैरह आप लोग देख सकते हैं, उन्हीं का जमाना है, उन्हीं का है। हम लोग अभी बनारस में हैं फिलहाल और ये इसे तोप कहते हैं गए, ये पुराने ज़माने में पता नहीं कैसे चलते चलते होंगे। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोग का माजरा। और हम लोग अंदर की ओर प्रवेश कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये पता नहीं अभी पूरा डिटेल इसके बारे में पूछिए आप लोग को, अभी बताएंगे हम लोग। तो अभी हम लोग तुरंत निकले हैं, तुरंत निकल के अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे जस्ट निकले हैं। तो यहाँ पे जो जो महाराजा महाराजा जो वो क्या बोलते हैं वस्त्र पहनते थे उनके बारे में था, और इधर जो वाहन था जो राजा महाराजा जो वाहन यूज़ करते थे उसके बारे में। अंदर फ़ोटो खींचना मना है, और फ़ोटो खींचने पर 500 रुपया जुर्माना है। ये नज़ारा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, अंदर फ़ोटो खींचना मना है और फ़ोटो खींचने पर 500 रुपये का जुर्माना है। तो चलते हैं ऐसे, ये पता ये खंडाला है गाइस, और हम लोग जा रहे हैं नदी के द्वार में। कोई भी राजा जब अपना वो राज्य वो करता था वो कभी भी नदी के किनारे ही करता था। और यहाँ यहाँ है काशी, और काशी जो है क्या बोलते हैं जो गंगा आरती होता है वहाँ पे भी चला जाएगा गाइस। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ राजा के घर पे हैं और हम लोग जा रहे हैं नदी के किनारे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा है, आप लोग देख सकते हैं जुर्माना लग जाएगा भाई। और ये हमने बोला था कि कोई भी राजा गंगा के किनारे, जी सर मेरे पास सर, गंगा के किनारे बसता है। और यहाँ से राजा यहाँ इस नदी के किनारे अगर किसी भी टाइम युद्ध हो
ये भागने का या इस किले को छोड़कर किसी और किले की जाने का वो था। और यहीं से राजा अगर किसी को भागना हो तो भागता था। और ये जो है गंगा नदी के किनारे स्थित, हम लोग पापा से बताता हूँ, ये मोंकी तुमको काट लेगा। और ये आप लोग देख सकते हैं मैडम लोग यहाँ पे, मैम और सर दोनों लोग। तो गाइस ये आँखों से देखने में बहुत ही लाजवाब दिख रहा है गाइस। और ये है ये राजा का किला जो बहुत ही तगड़ा दृश्य है, मतलब ऐसे देखने से पूरा फील हो रहा है कि भाई ये राजा का महल था। ये मंकी लोग भी बहुत ही निडर हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं और यही गंगा नदी है और ये अनवी है जो मेरे ब्लॉग में एनी टाइम जब तक रहूँगा ये आने वाली है। और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये सही घंटा है, घंटा घर जिसे बोलते हैं, कोई दूसरा राजा आक्रमण करे जिसे एक तरफ अलार्म के तरीके से वो किया जाता था, ये वो है। और ये मेरे पीछे जो है ये स्ट्रक्चर, यहाँ से देख रेख, यहाँ जो ये गंगा नदी है यहाँ से देखा रेख किया जाता था। यहाँ का बंदरों को बहुत ज़्यादा संख्या में है गाइस, मंकी। तो चलते हैं अब हम लोग बाहर की ओर आगमन करेंगे, ठीक है। पापा की भी फिंगर पकड़ लो, पापा का भी फिंगर पकड़ लो। और ये खंडहर है जो अंदर की तरफ हम लोग गए थे। तो जस्ट हम लोग इस द्वार से निकले हैं अभी, हम लोग जस्ट अभी इसी द्वार से निकले हैं और शाम का वक्त हो चुका है। तो गाइस हम लोग फाइनली ये रूम पर आ चुके हैं और रूम पर आकर अभी फ्रेश व्रेश हुए हैं। तो अभी आते आते अंधेरा हो चुका है, तो हम लोग रूम पर आ चुके हैं। और गंगा आरती पे जाना था हम लोग को, लेकिन हम लोग गए नहीं क्योंकि मतलब ज़्यादा अंधेरा हो गया, हम लोग को जाते जाते ज़्यादा टाइम हो जाता और ये वीडियो और ही लंबा हो जाता। तो इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी।